आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू करंट कैरिंग डिस्क तो ये डिस्क हमारी एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें जो करंट लेना होगा वो हमें लेना होगा, हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी एक्चुअली में कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हमने मान ली जो हमारी करंट डेंसिटी है वो है जे, और इसकी डायरेक्शन है काउंटर क्लॉक वाइज, सी सी डब्ल्यू काउंटर क्लॉक वाइज। तो हमने कहा कि हमें एक करंट कैरिंग डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक डिस्क कंसीडर करते हैं जिसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, और हमने कहा उस डिस्क के सेंटर से, तो सेंटर हमने मान लिया सी, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली वो है हमारी एक्स, और इस डिस्क की रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर। अब ये जो डिस्क है ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी थिन रिंग से मिलके बनती है जो सेंटर से स्टार्ट होके उसके सर्कमफेरेंस तक जाएगी, मतलब जो सबसे स्मॉलर जो रिंग होगी वो एक्चुअली में हमारी जीरो रेडियस की होगी जो कि सेंटर पे होगी, और सबसे लार्जर रिंग जो होगी वो हमारी इसके सर्कमफेरेंस पे होगी जिसकी रेडियस कैपिटल आर होगी। अब यहाँ रिंग कंसीडर करने का रीजन ये है क्योंकि रिंग की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता होनी चाहिए, तो जो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे एक बार हम लिख लेते हैं। तो जो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बी रिंग वो होती है हमारी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। तो ये जो आर ले रहे हैं ये रिंग की रेडियस है, अभी हमारी जो रेडियस है वो डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर रिंग कंसीडर करेंगे स्मॉल आर रेडियस की, जिसकी थिकनेस हम मान लेंगे डी आर, क्योंकि ये रिंग में करंट क्लॉक काउंटर क्लॉक वाइज है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अवे फ्रॉम द पॉइंट पी, और इस डिफरेंशियल रिंग की मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी रिंग है वो उसकी रेडियस हमारी स्मॉल आर है, तो डी बी की जो हम वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ करंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो चूंकि पूरी डिस्क में जो करंट डेंसिटी है वो जे है, तो जो रिंग में करंट हमारा आएगा वो जाएगा करंट डेंसिटी इनटू में एरिया ऑफ द रिंग, डिफरेंशियल एरिया ऑफ द रिंग, और जो डी ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इस रिंग का जो एरिया होगा। तो रिंग का एरिया कंसीडर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिंग को अगर हम बाहर निकालें और उसे हम कट करें तो कट करने पे हमें स्ट्रिप मिलेगी इस तरह से, इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी टू पाई स्मॉल आर, और हमारी जो थिकनेस हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी डी आर। तो इस रिंग का जो एरिया आ जाएगा तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, सॉरी स्ट्रिप का जो एरिया आ जाएगा क्योंकि एक हमारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का हमारा एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल एरिया मिल गया, तो जो हमारा यहाँ पर रिंग में जो करंट आ जाएगा उसको हम डिफरेंशियल करंट मान लेते हैं डी आई, तो वो हो जाएगा हमारा टू बाई आर डी आर इनटू में करंट डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें रिंग की मैग्नेटिक फील्ड पता है। ठीक है, और हमें उसकी रिंग की रेडियस पता है, करंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो हम इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डी बी। तो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई, रिंग की रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी करंट यहाँ पर डी आई है, और ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। डी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो डी आई के बारे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डी आई है हमारा टू बाई स्मॉल आर डी आर जे अपॉन में टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट बाई जे आर डी आर अपॉन में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। तो स्ट्रिंग की रेडियस को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब हम स्ट्रिंग को इंटीग्रेट कर दें अगर सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, तो हमें ये पूरा डिस्क हमारा कवर हो जाएगा और हमें उसकी माइनॉरिटी मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पर। तो माइनॉरिटी की तो हमारी कैलकुलेट होगी, तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो कांस्टेंट था उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट टू बाई जी अपॉन टू। अब हमें लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो विंग की जो लिमिट स्टार्ट होगी वो सेंटर से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी वो हमारी जाएगी, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर और था, तो ये हो जाएगा आर क्यू। तो हमारी जो लिमिट जाएगी वो जाएगी जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो ये हो गया टू पाई म्यू नॉट जे अपॉन में टू आर क्यू डी आर लिमिट जीरो टू कैपिटल आर। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए इस एलिमेंट को हम मान लेते हैं क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो स्मॉल आर है। तो इंटीग्रेशन में हम मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर लेने का यहाँ जो रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर पावर थ्री बाई टू है, तो स्क्वायर आप लेंगे तो ये वन बाई टू जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम टी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि आर हमारा यहाँ पर वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू तो यहाँ चेंज होगी नहीं, तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा टू आर डी आर इज इक्वल टू टू टी डी टी। तो हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, टू पाई म्यू नॉट जे अपॉन टू लिमिट जीरो टू आर, आर क्यूब को हम अलग अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर आर डी आर, अच्छा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा टी स्क्वायर था पावर थ्री बाई टू। ठीक है, आर स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आर डी आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी टी डी टी, तो टू पाई नॉट जे अपॉन टू जीरो टू आर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर डी आर हो गया हमारा टी डी टी और यहाँ पर आ गया हमारा टी क्यू, तो एक टी से कट जाएगा कैंसिल होके टी स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टू पाई नॉट जे ऑन में टू, इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई हमारी जीरो टू आर, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी डी। इसको फिर से सेपरेट कर लेते हैं, ये हो गया डी डी माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी डी बाई टी स्क्वायर, डी डी का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा टी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर एक्स स्क्वायर वन अपॉन टी स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन अपॉन टी लिमिट जीरो टू कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट हम सीधे नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल टी नहीं था, हमारा वेरिएबल आर था, तो अब आपको यहाँ पर टी को वापस आर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो उसे टू कैंसिल हो जाएगा पाई म्यू नॉट जे, ये हो जाएगा हमारा टी की वैल्यू हमारी कितनी थी, टी हमारा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट जीरो टू कैपिटल आर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, और ये हमारा था वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट जीरो टू कैपिटल आर
सबसे पहले अपन लिमिट डालेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट माइनस कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो डालेंगे जो रह जाएगा एक्स, पाई म्यू नॉट जे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, ठीक है ये हो गया प्लस एक्स, अंदर एक्स स्क्वायर को अंडर लेते तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है सॉरी यहाँ पर जब आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एक्स आएगा, तो माइनस एक्स हो गया हमारा माइनस टू एक्स, और इसको हम क्लब कर लेते हैं तो हमारा यह आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू एक्स, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई पाई टू नॉट जे, और ये आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया एक करंट कैरिंग डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है जो एट द पॉइंट बी जो कि एक्स डिस्टेंस के था, ठीक है तो अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।